दीपावली के इस पावन पर्व पर करोड़ों करोड़ देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, यह दीपावली का पावन पर्व हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने रावण जैसे आताताई राक्षस का और उनके अन्य राक्षसों का वध करके पूरी दुनिया में पुनः धर्म की स्थापना की थी और अधर्म का सर्वनाश करके 14 वर्ष के वनवास के बाद पुनः जब वो अयोध्या नगरी अवध नगरी में आए, उनके अवध में आगमन पर पूरे अवध को दीपों की माला से जगमग किया गया था और उन्हीं की याद में यह दीपावली का पावन पर्व हर वर्ष करोड़ों करोड़ भारतवासी पूरे जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली के इस पावन पर्व पर करोड़ों करोड़ भारतवासियों को हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने देश और धर्म की रक्षा की, जिस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने राक्षसों का वध किया, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने अधर्म का सर्वनाश किया, पापियों का सर्वनाश किया और पुनः धर्म की स्थापना करके जो धार्मिक मूल्य हैं, मानवता के मूल्य हैं, उनको स्थापित किया, हमें भी दीपावली के इस पावन पर्व पर इस हर्षोल्लास के बीच यह संकल्प लेना है कि हमको भी अपने देश और अपने धर्म के प्रति सजग रहना है और धार्मिक मूल्यों को हमेशा मजबूत देकर इस दुनिया में, इस संसार में अमन शांति भाईचारा मजबूत करें और धर्म की विजय पताका को हमेशा बुलंद रखें। यतो धर्मस्ततो जया धर्मो रक्षति रक्षिता, यहाँ धर्म है वहाँ विजय है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही संकल्प लेते हुए हम सब को इस पावन दीपावली के अवसर पर अपने देश और धर्म के प्रति अपने कार्यों को और अधिक मजबूत करना चाहिए। पुनः सभी देशवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। जय श्री राम।